So no, we were expecting some fireworks. We got a bit of a damp squib. राहुल जी हिंदी में, राहुल जी हिंदी में बोल दिए, कैसे देखते हैं बजट में? हिंदी में सब, हिंदी में डिमोनेटाइजेशन के बाद जो झटका सरकार ने गरीबों को मारा, एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टी शेर शायरी की जेठनी जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है उसके। पॉलिटिकल पार्टीज का तो 2000 का कैपिंग किया गया, वो अच्छा है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। सर, टैक्स रिजम्पशन 2.5 से 5 लाख के बीच में, ये देखिए, फंडामेंटल्स पे बात कीजिए, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है कि ब्रॉड रास्ता दिखाएं। ब्रॉड रास्ते के लिए हिंदुस्तान के सामने 2-3 इश्यूज हैं। एक इशू, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार कैसे दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े भाषण किए हैं पिछले साल, कितना, 1.5 लाख, हाउ मेनी पीपल, 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, ठीक है? दिस इज अ शेमफुल थिंग, ठीक है? 2 करोड़ की बात की थी, इस पे एक बात नहीं बोली। दूसरी बात, किसान रो रहा है, किसान को कर्जा माफ करने की जरूरत है। बड़े बड़े भाषण दिए, किसानों की सरकार, कुछ नहीं किया। तो ये बेसिक फंडामेंटल इश्यूज हैं, उस पे कोई गहरी चीज नहीं बोली। चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से बजट को पेश किया गया है, वो तो देखिए भैया, वो चाहते थे कि बजट से इम्पैक्ट लगे, कुछ लगा, इम्पैक्ट तो नहीं लगा मुझे। अगर इसकी अपॉर्चुनिटी उठानी थी तो कुछ बड़ी चीज अनाउंस करनी थी, किसानों के लिए कुछ अनाउंस करना था, उनका भी फायदा हो जाता। फिर से देखिए, एक रेलवे बजट के बारे में, शुरुआत में पहली स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लंबा भाषण दिया, बुलेट ट्रेन की बात की और बुलेट ट्रेन का विजन दिया, ठीक है? बुलेट ट्रेन आई नहीं आई। रेलवे में फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? सेफ्टी का प्रॉब्लम है। अब आप देखिए आज क्या हो रहा है, सेफ्टी रिकॉर्ड इस सरकार का रेलवे में सबसे खराब है। उसके बारे में कुछ बोला? बस।